अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 5 इज़ अबाउट स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ पाकिस्तान और ऑफ मुस्लिम्स। सो इन प्रीवियस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दिल्ली प्रपोजल, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट्स, अलाहाबाद एड्रेस एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो फ्रॉम इट कंक्लूजन इज़ दैट के पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों ने पॉलिटिकल सेटलमेंट स्ट्रॉन्ग की, ठीक है, अपने लिए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको स्ट्रॉन्ग किया। और जो हमारे सामने दिल्ली प्रपोजल आया कायदे आज़म का, उनके 14 पॉइंट्स आए, इलामा इकबाल के राउंड टेबल इलामा इकबाल का अलाहाबाद एड्रेस जो है, ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये मुसलमानों को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको स्ट्रॉन्ग किया। अब हमने इस चैप्टर में जो देखना है वो हमने देखना है कि पाकिस्तान के लिए जो मुसलमानों ने फर्दर स्ट्रगल की वो किस तरीके से की। अच्छा, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की स्ट्रगल की तो उसमें जो पहली बात आती है वो आती है लाहौर रेजोल्यूशन की। सो इसी से रिलेटेड हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस। वेयर एंड व्हेन है पहले, सो मैंने व्हेन और वेयर कर दिया है। अच्छा ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और अब हम इसके आंसर की तरफ आते हैं। आंसर इसका पेज नंबर 54 पे। अगर हम लाहौर रेजोल्यूशन के बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा देखें तो लाहौर रेजोल्यूशन से पहले जो था क्या था कि हमने वो पीछे भी चैप्टर्स में इस चीज़ को देखा है कि मुसलमान जो थे उनकी कंडीशन जो थी वो कह लो कि इस तरीके से ख़राब थी कि हिंदू जो थे वो हर तरीके से मुसलमानों पे अपना एक अपनी पावर चाहते थे, अपनी अथॉरिटी चाहते थे, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी 1939 to 1945 जिसका टाइम पीरियड है, उस दौरान उसके बाद जो ब्रिटिश थी उनके मतलब प्रोबेबली चांसेस यही थे कि वो यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हिंदू जो थे वो अपनी कह लो मेजॉरिटी होने की बेस पे वो कहते थे कि हम क्योंकि ज़्यादा अक्सरियत में हम ज़्यादा हैं तो हम पावर, हमें ब्रिटिश जो है वो हमें पावर दे। जबकि मुसलमानों की भी अगर हम उसके क्वांटिटी के हिसाब से बात करें या उसके तो मेजॉरिटी मुसलमान भी ज़्यादा अमाउंट में, तादाद जो थी वो मुसलमानों की भी ज़्यादा थी। अच्छा, अब क्या था कि हिंदू जो थे वो चाह रहे थे कि हमें पावर मिले और मुस्लिम्स जो थे वो चाहते थे कि हम किसी भी तरीके से हिंदुओं के अंडर ना आए, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के तमाम वो पॉइंट्स देख लिए थे, या गांधी का रिएक्शन और जो भी आपने नेहरू रिपोर्ट देखी तो, और जो उनके आगे फर्दर जो उनके कह लो जो उनका बिहेवियर था मुसलमानों के साथ, जो कांग्रेस मिनिस्टर्स थे उनका किस तरीके से बिहेवियर था वो सब आपने लास्ट चैप्टर में हमारा देखा है कि उनको वंदे मातरम के नारे ज़बरदस्ती नगल लगवाए थे। तो ये इस तरह की बहुत सारी बातें हैं कि उसके बाद जो थे वो मुसलमान किसी सूरत भी हिंदुओं के अंडर नहीं रहना चाहते थे। तो इन तमाम बातों को माइंड में रखते हुए जो मुसलमानों के अंदर जो थी ना वो कह लो यूनिटी जो थी वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है। अब लाहौर रेजोल्यूशन जो थी वो हुई थी 1942 में, ये रेजोल्यूशन पास हुई थी। तो यहाँ पे पहले हेडिंग आएगी, रेजोल्यूशन लिखिए, अब लाहौर रेजोल्यूशन इधर हेडिंग देंगे और स्टार्ट करेंगे। लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द एनुअल, ये दी कैपिटल को आप कैपिटल नहीं करेंगे, दी फिर स्मॉल हो जाएगा, द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इधर से वाज कट हो जाएगा, हेल्ड फ्रॉम 22 मार्च to 24 मार्च 1940 अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह एट मिंटो पार्क लाहौर, इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम पार्टिसिपेटेड, ठीक है। लाहौर रेजोल्यूशन जो थी 1940 में पास हुई थी और कहाँ पे हुई थी, लाहौर मिंटो पार्क में, जिसमें मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा कह लो नंबर लार्ज नंबर में जो थी उनकी पार्टिसिपेशन थी और इसके प्रेसिडेंट जो थे वो कायदे आज़म थे और इसका जो इजलास हुआ था वो 22 मार्च to 24 मार्च तक हुआ था, ठीक है, जिसमें मुसलमानों की जो टू नेशन थ्योरी थी या जो उन्होंने अपने लिए सेपरेट स्टेट की डिमांड की थी वो एक्सेप्ट हो गई थी। अब हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस की और इसकी इम्पोर्टेंस में जो मेजर मेजर पॉइंट्स आते हैं हम उसको इस पूरे इस पेज जो हमारे इस पेज पे है वो डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, पहली बात आती है इम्पोर्टेंस में टू नेशंस की, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये टू नेशन की जो कॉन्सेप्ट था ये अलाहाबाद एड्रेस में इलामा इकबाल ने पेश कर दिया था, ठीक है। आगे फर्दर इस चीज़ को आगे किया गया। इन द वर्ड्स ऑफ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हिंदू एंड मुस्लिम बिलोंग टू टू डिफरेंट रिलीजियस फिलोसफीज, सोशल कस्टम्स एंड लिटरेचर। कायदे आज़म की क्या वर्डिंग थी कि कायदे आज़म कहते थे हिंदू और मुस्लिम जो थे
वो दो डिफरेंट मज़ाहिब से बिलोंग करते हैं और उनकी फ़िलासफ़ी, सोशल कस्टम एंड लिटरेचर जो मान तमाम चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दे नाइदर इंटर मैरी नॉर इंटर डाइन एंड इंडीड दे बिलोंग टू टू डिफरेंट सिविलाइजेशन विच आर बेस्ड मेनली ऑन कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ एंड कंसेप्शन। देयर कंसेप्ट ऑन लाइफ आर डिफरेंट। तो आगे कहते हैं कि मुसलमान जो हैं और हिंदू जो हैं वो एक दूसरे से मजहब के अकॉर्डिंग डिफरेंट हैं। सेकेंडली, उनकी फ़िलासफ़ी, सोशल कस्टम, लिटरेचर सब एक दूसरे से नहीं मिलता। दूसरे, ये आपस में शादी भी नहीं कर सकते, ना एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। तो इसके इनकी जो सिविलाइजेशन है वो हर तरीके से डिफरेंट है और इनके इनके आइडियाज़ जो हैं यानी उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट ये तमाम रहते हैं। तो इनके यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी डिफरेंट है। तो इसमें उन्होंने इन तमाम बातों को डिस्कस करके, यानी अगर आप उसको टू नेशंस कह रहे हैं तो उन्होंने टू नेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सेपरेट सेपरेट डिस्कस भी किया कि उनके अकायद व नज़रियात, मजहबी रसूमात, जो तमाम इस तरह की बातें थी वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। उनके जो आइडियाज़ हैं उनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आपस में, ठीक है। उसके बाद इसी चीज़ को आगे फर्दर कह रही है कि और नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें बताया है कि कौन से वो लीडर्स थे जो लीडर्स थे जो इस रेजोल्यूशन को या इन पॉइंट्स को आगे फर्दर आगे लेके गए। फिर हम आएंगे थर्ड पैराग्राफ पे, जिसमें आपने यहाँ पे हेडिंग आई कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान। पहली हेडिंग हमारी जो है वो इन द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स ऑफ कायदे आज़म से लेकर ये लाइफ आर डिफरेंट तक। और उसके बाद हमारी सेकेंड हेडिंग है नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान। The resolution declared no constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslim unless geographical contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted which such territorial readjustment as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in majority as in the northwestern and eastern zone of India should be grouped to constitute units shall be autonomous and sovereign। कहते हैं कि कोई भी इस रेजोल्यूशन में ये चीज़ डिक्लेयर की गई है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान जो है वो उस वक्त तक वर्केबल नहीं है, ठीक है, या उसको उस वक्त तक मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक उनका जो जोग्राफिकल कॉन्टिग्यूस यूनिट्स हैं वो जो है उनमें कोई आप हदबंदी नहीं करते, ठीक है। डेमार्केटेड का मतलब है हदबंदी, यानी कोई एक सरहद सी बना देना, ठीक है। आगे इसी पॉइंट को फर्दर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि के मुसलमानों का यानी जो टेरिटोरियल है उसको रीएडजस्ट किया जाए, ठीक है। रीएडजस्ट इस तरीके से किया जाए कि जहाँ पे मुस्लिम जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, लाइक नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन में इंडिया के, उसको मिला के एक अलहदा रीजन बना दिया जाए, एक सेपरेट एरिया बना दिया जाए जहाँ पे मुसलमान जो हैं वो खुद मुख्तार हों और सोवरेन कहते हैं जिनके पास अथॉरिटी और पावर हो, ठीक है। क्योंकि इस टाइम तो उनके पास अथॉरिटी पावर नहीं थी, और अगर हिंदुओं को वो पावर दे के जाएंगे तो मुसलमानों के पास तो अथॉरिटी और पावर नहीं रहेगी। तो फिर उन्होंने इसलिए ये डिमांड की कि तमाम जो मुसलमान मेजॉरिटी के एरियाज हैं उनको जो है इकट्ठा करके एक बना दिया जाए ताकि वहाँ पे मुसलमान जो है वो अपनी आज़ादी के साथ और अपनी अथॉरिटी के साथ, अपनी पावर के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। फिर आगे इस फर्दर पैराग्राफ में ये बताया गया है कि उन्होंने साथ में एक तो अपने लिए अलहदा होने की डिमांड भी की गई, लेकिन आपको पता है कि मुसलमान जो थे वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन में ही थे सारे, उससे हटके भी एरियाज में थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में थे तो ज़ाहिर है अगर हदबंदी की जाएगी तो वो एरियाज जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटीज़ में और वो इंडिया के हिस्से में आ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा कि वहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटीज़ में है। तो उन्होंने फर्दर इस चीज़ को आगे एलेबोरेट किया कि एक ऐसा सिस्टम भी बनाया जाए जिसमें माइनॉरिटीज़ जो है चाहे वो मुसलमानों के अंडर आए, यानी पाकिस्तान के एरिया में भी अगर देखें नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन की अगर वो बात करें तो उसमें सिर्फ मुसलमान मेजॉरिटी में थे लेकिन हिंदू भी थे क्योंकि सब कंबाइन ही रहते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें मिनॉरिटीज़ की जो उनके जो राइट्स हैं उनको भी सेफ किया जाए, यानी उनको भी प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है, यानी सिर्फ मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू ना देखा जाए, यानी जब आप सेपरेट कर लो तो उसमें सेपरेट होने के साथ एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें मिनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्शन दी जाए। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे और यहाँ पे हेडिंग आएगी रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इन द रेजोल्यूशन द वर्ड स्टेट वॉज यूज बट इन 1946 इट वॉज अमेंडेड एंड डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट पाकिस्तान विच वॉज लॉन्च
दिस लाहौर रेजोल्यूशन वॉज लेटर ऑन नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इस रेजोल्यूशन में जो था स्टेट का वर्ड यूज़ किया गया था, ठीक है, बट 1946 में इस चीज़ को चेंज करके सेपरेट स्टेट पाकिस्तान का वर्ड यूज़ किया गया। ठीक है, 1946 पहले सेपरेट स्टेट की बात करते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने नाम दे दिया पाकिस्तान। फर्दर इसको जो लाहौर रेजोल्यूशन का जो नेम आगे फर्दर जिस नाम से फेमस हुई वो रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन भी इसको कहते हैं और रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारी फोर्थ हेडिंग आएगी पॉलिटिकल मूवमेंट। आफ्टर दिस रेजोल्यूशन मुस्लिम्स पॉलिटिकल मूवमेंट एंटर इनटू अ न्यू फेज। पब्लिक मीटिंग वर ऑर्गेनाइज थ्रू आउट द कंट्री इन विच अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम वॉज। अच्छा जी, इस रेजोल्यूशन के बाद क्या हुआ था कि आफ्टर दिस रेजोल्यूशन मुसलमानों की जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी वो और भी ज़्यादा कह लो स्ट्रांग हो गई थी। ठीक है, और वो एक ऐसे फेज़ में दाखिल हुए जिसमें उन्होंने बहुत ही कह लो कि आपस में बहुत ज़्यादा यूनिटी हो गई और सेपरेट होमलैंड के लिए और भी उनकी जो कह लो कोशिशें थी वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। अब ये तमाम बातें जो थी ये हिंदुओं को तो पसंद नहीं थी। ठीक है, हिंदू किसी भी सूरत नहीं चाहते थे कि मुसलमानों का के ऊपर वो मतलब वो डोमिनेशन चाहते थे मुसलमानों के ऊपर। तो हिंदू जो थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। हिंदूज वर अगेंस्ट द सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम। सिख पार्टी अकाली दल एंड कांग्रेस स्ट्रांगली अपोज द आइडियाज ऑफ पाकिस्तान विच शोज दैट कांग्रेस वॉज पजल्ड एट द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ठीक है, कांग्रेस जो थी वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन से पजल्ड हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो हिंदू जो थे, मैंने जैसे आपको बताया, वो हर सूरत में वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे और वो किसी भी तौर पर ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो सेपरेट हो। ठीक है, अब इस रेजोल्यूशन को नेक्स्ट पैराग्राफ में फर्दर बताया कि कौन कौन से लीडर्स जो थे वो इसको आगे हर प्रोविंस में लेके स्टार्ट हुए। अब ये देखें, जो पंजाब में थे वो मौलाना जफर अली खान थे, उसके बाद सरदार औरंगजेब जो थे वो NWFB में थे, और सर अब्दुल्ला हारून जो थे वो सिंध में, काजी ईसा फ्रॉम बलूचिस्तान, और दूसरे भी इनके साथ रहनुमा थे, लेकिन ये जो थे लीडर्स मेन थे जो सबको लेकर हर सूबे में इस रेजोल्यूशन को और मुसलमानों को कह लो को बहुत इकट्ठा किया इस बेस पर। ठीक है, हैविंग पास द पाकिस्तान रेजोल्यूशन द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, ये हमारी लास्ट हेडिंग है, फिफ्थ स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान स्टार्टेड विच कंटिन्यूड फॉर 7 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद जब थी पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होने के बाद जो पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल थी वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई और तकरीबन 7 साल ये रही और 1947 में पाकिस्तान बन गया। ब्रिटिश एंड हिंदूज क्रिएटेड मैनी ऑब्स्टिकल्स, उन्होंने बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट किए, बट मुस्लिम्स वर डिटरमिंड, लेकिन मुसलमान जो थे वो डिटरमिंड थे और यूनिटी उनमें बहुत ज़्यादा थी। दे हैड क्लियरिटी दैट दे वर स्ट्रगलिंग फॉर राइट कॉज, सो ऑल द ट्रिक्स ऑफ एनिमीज वर टर्न डाउन। तो क्योंकि देखें उनमें यूनिटी थी और ये हम सब देखते आते हैं, हम सबको ये चीज़ पता है और आप सब लोग ये पढ़ते आ रहे हो, जब यूनिटी आ जाती है ना और आप किसी चीज़ के लिए डिटरमिन हो जाते हो तो आप वो चीज़ हासिल कर लेते हो। तो फिर मुसलमानों ने जब इतनी स्ट्रगल की तो उसके बाद आखिरकार पाकिस्तान बन गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमें एक लेसन भी मिलता है कि आज जैसे हम लोग यूनाइटेड नहीं हैं, ठीक है, एक तरह से हम एक डिवाइड हुए हुए हैं, तो ये चीज़ जो है ये बहुत गलत है। अगर हम यूनाइटेड हो जाएंगे तो हमारी पावर जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन के आंसर में आपने किस तरीके से हेडिंग्स देनी है। पहले आपने हेडिंग देनी है लाहौर रेजोल्यूशन और ये किस तरीके से स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन दी, फिर यहाँ से आप वाज कट कर देंगे और ये पैराग्राफ कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी इंपॉर्टेंस, उसमें आपने पहले हेडिंग देनी है टू नेशन। इन द वर्ड्स ऑफ कायदे आजम से लेकर ये है लाइफ आर डिफरेंट तक। ठीक है, और इसके बाद हमारा ये पैराग्राफ को आपने मतलब मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया, ये कट कर दो। यहाँ पे आपने थर्ड पैराग्राफ पे हेडिंग देनी है, सेकंड हेडिंग है नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान, ये कंप्लीट पैराग्राफ है। और उसके बाद हमने लास्ट पैराग्राफ पे आना है, यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये हेडिंग जो होगी इसमें आएगा इन द रेजोल्यूशन द वर्ल्ड स्टेट से लेकर रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ पे जो आपकी हेडिंग आएगी फर्दर वो होगी पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, ये आपने यहाँ से आफ्टर दिस रेजोल्यूशन मुस्लिम्स पॉलिटिकल मूवमेंट से लेकर डिमांडेड तक, यहाँ तक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे लास्ट पैराग्राफ पे आपने हेडिंग देनी है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान और ये पैराग्राफ कंप्लीट है। होपफुली स्टूडेंट आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो डिटेल के साथ समझ आया होगा। टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।